अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स का एक्सरसाइज। इसमें आपको अपना माइंड चेक करना होगा, फिर चंद चंद सेकेंड्स के बाद हम आपको आंसर बताएंगे। आते हैं पहले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने इंतखाब करना है। नंबर वन, इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज डैश रिमेंस सेम एज इन पेरेंट सेल, बी बिकम्स डबल एज कम्पेयर विद पेरेंट सेल, बिकम्स फोर टाइम्स एज कम्पेयर विद पेरेंट सेल, बिकम्स हाफ एज कम्पेयर विद पेरेंट सेल। 3 तक गिना जाएगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगी। तो तब तक आपने अपना माइंड चेक करना है कितनी आपके मेमोरी में चीज़ें रह गई हैं। 1, 2, 3, द आंसर इज ऑप्शन ए, रिमेन्स सेम एज इन पेरेंट सेल। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेक्स सेल इज डैश। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेक्स सेल्स के अंदर कितने होंगे? 16, 23, 30, 46. 1, 2, 3. The answer is 23. Next question है हमारे पास, zygote is formed by dish. Zygote कैसे बनते हैं? 2 sperms से, 2 eggs, 2 gametes या 2 chromosomes? 1, 2, 3. Answer is 2 gametes. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड डैश। खसूसियात की मुंतकली जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, इनहेरिटेंस, मियोसिस, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स इज डैश। जो खसूसियात मुंतकिल होते हैं उसका यूनिट क्या है? क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, गैमेट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6. The answer is heredity and genes. Next है हमारे पास fill in the blanks. Fill in the blanks आपने करना है। Number 1, during mitosis the number of dash is doubled. Mitosis के दौरान किस चीज़ की number double होती थी? The arms of chromosomes are called dash. Chromosomes के arms को हम क्या कहते थे, उनके बाजुओं को? The number of chromosomes in mass cell is dash. Mass cell के अंदर number of chromosomes कितने थे? Genes determine all dash in the bodies of organisms. Genes जो है dash को determine करते हैं किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर। Number 5 है, the cells which produce as result of meiosis are called dash. जो सेल्स मियोसिस के नतीजे में बनते हैं हम उसे क्या कहते हैं? 5 तक गिना जाएगा, फिर आपको आंसर मिलेगी। तब तक आपने खुद आंसर ढूंढना है। 1, 2, 3, 4, 5. लेट्स चेक द आंसर्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स, 20, करेक्टरिस्टिक्स, डॉटर सेल्स। इस दौरान आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके चेक करें अपने आंसर्स को, आया वो दुरुस्त है या नहीं। अच्छा, बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है मार्क टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मियोटिक 2 डिवीजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मियोसिस। Chromosomes and DNA are basis of heredity. The half of chromosomes number in sex cells of cat is 15. The separation of a part of a body of a person after cut off is a heredity disease. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा, पहला हमसे ये पूछा गया था कि जो सेल डिवीजन है उसमें एक सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल डिवीजन। ये है रॉन्ग। मियोटिक 2 डिवीजन जो है सेम नहीं होते मियोसिस के साथ, जबकि माइटोसिस से ये मुशाबिहत रखते हैं, तो ये भी क्रॉस हुआ।
क्रोमोसोम्स और डीएनए बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। सही, ये भी सही। इसके अलावा अगर किसी इंसान का बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल नहीं होगी, उनकी ये खसूसियत। हम कह सकते हैं कि कटिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट इज नॉट अ हेरिडिटी डिजीज, दो इट इज क्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम ए विद द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम बी। आपने देखना है कौन सा टर्म किस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। डीएनए, स्पर्म, ओवम, मायोटिक वन, क्रोमेटिड्स, जाइगोट, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर टू हाफ, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी मटेरियल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। आई विल काउंट टिल फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। योर टाइम इज अप। लेट्स चेक द आंसर्स। डीएनए, हेरिडिटी मटेरियल, स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, मायोटिक वन, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर टू हाफ, क्रोमेटिड्स, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लोप्लाज्म, इन दोनों का फर्क बताइए। साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ फ्लूइड मैस ऑफ द सेल विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। नंबर फोर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेल्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लोप्लाज्म, इनके क्या डिफरेंस है साइटोप्लाज्म के साथ। नंबर वन, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला है, इट इज़ द सैप ऑफ द न्यूक्लियस विच कंटेन्स द न्यूक्लोलस। नेक्स्ट है, इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन एंड रीफिल्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं राइट शॉर्ट आंसर्स। डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? द प्रोसेस इन विच अ पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। नेक्स्ट है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड, जीन्स कहाँ मौजूद है, लोकेशन बताइए। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। व्हाट आर द शेप शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, देयर शेप इज लाइक एक्स और वाई। व्हाट इज मेंट बाय जाइगोट, जाइगोट से क्या मुराद। द लाइफ ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज कॉल्ड जाइगोट, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो ये था आज का एक्सरसाइज। अगला हमारे पास रहता है लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिनका आपने खुद आंसर ढूंढना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पिछला जो हमारा जितना वीडियो इस चैप्टर का अपलोड हुआ है, आप बार बार उन्हें चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए, जब तक हम अगला वीडियो बनाते, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।